Hey guys, welcome back to another video. So guys, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे. एंड गाइज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं मतलब कि जिस पैरासोर में हूँ उसको गाइज उन्होंने पिछले एपिसोड में टेम नहीं किया था, ठीक है. वो अलग पैरासोर था एंड वो मेरे घर पे, ठीक है. तो यार इसको मैं मतलब कि हंटिंग पे निकला था एंड तब मेरे को यार ही मिल गया था. तो यार कलर काफ़ी अच्छा था तो मैंने इसको टेम कर लिया, ठीक है. सो आज अपने क्या करेंगे, मैं बता दूं कि आज अपने टेम करने वाले हैं फियोमिया को, ठीक है. और फियोमिया क्या काम आता है गाइज, वो मतलब कि यार फर्टिलाइज़र बनाने के बहुत काम आता है. तो फर्टिलाइज़र से अपने फार्मिंग कर सकते हैं, तो यार मतलब वो बहुत काम की चीज़ है. तो यार आज अपने फियोमिया को टेम करेंगे एंड उसको टेम करने के लिए मैं ले लेता हूँ ये क्या कहते हैं इसको यार, बायोटॉक्सिक और थोड़ी सी हाइट जिससे मैं बोला बना पाऊँ. और बोला भाई कम पड़ रहा है क्योंकि यार फियोमिया मेरे बेस के पास पड़ता है, बट जहाँ पे वो पड़ता है वहाँ पे यार रैप्टर भी बहुत होते हैं, तो यार खतरा बहुत है, ठीक है. तो 3-4 क्राफ्ट कर लेते हैं, आए थे इतने बहुत होंगे. और थोड़ी सी बेरीज भी ले लेते हैं ना, मेजो बेरीज लेते हैं. 1992 इनफ होंगी आई थिंक. और मेरे को सैडल भी मिल चुका था फियोमिया क्या, वो मिला था मेरे को ड्रॉप से, ठीक है. तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा मेरे को यार, उसका अनलॉक नहीं करना पड़ा. और मैं भाई मेरा पैरासोर नहीं लेके जाऊंगा कहीं पे, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है. क्योंकि यार वहाँ पे रैप्टर होते हैं ना, तो यार ख़तरा नहीं लेना यार मॉल मेरे को, ठीक है. पैदल जाऊंगा उसको लेके आऊंगा, ठीक है. सो आई थिंक यार सामने की साइड ही होता है, तो चलते हैं उसको टेम करने के लिए एंड ढूंढते हैं पहले तो यार उसको. और भाई खाना वगैरह खूब है मेरे पास और बोला वगैरह भी है. और भाई मेरे पास ट्रैंक एरो भी है, जो कि मैंने यार पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैंने यार पैरासोर को टेम किया था एंड फिर मैंने यार मतलब कि काफ़ी सारी एरोज़ बनाई थी और नारकोटिक वगैरह बनाए थे. तो काफ़ी यार सही हो गया मेरे लिए, ठीक है. सो यहाँ पे गाइस वेट, इसको मारते हैं भाई. वेट, इसको हार्वेस्ट करते हैं. और अब इसके अंदर यार जो एरोज मैंने ली थी वो डालते हैं इसके अंदर, ठीक है. क्योंकि यार वो जो पहली एरो इसके अंदर एक थी वो स्टोन एरो ही थी, ठीक है. एंड उससे डायरेक्ट हेल्थ जाती है, नॉकआउट नहीं होता है एनिमल, ठीक है. तो अब अपने ढूंढते हैं अपने पैरासोर को, कि यार ध्यान से ढूंढना पड़ेगा कि यार यहाँ पे रैप्टर भी बहुत होते हैं ना, तो उनसे भी बचना पड़ेगा यार. इजीली मिल जाए तो ठीक ही है वैसे. और हाँ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेरी वीडियो पहली बार देखी है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक कर दो. और चैनल पर नए चैनल को यार सब्सक्राइब करके पास ही में बेल आइकन होता है उसको ऑल पे सेलेक्ट करना होता है, तो प्लीज़ यार उसको भी कर लो, आपको कुछ नहीं जाएगा उसको करने से, बट हाँ मेरी वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी, ठीक है. सो यह प्लीज़ कर लेना. और आई थिंक यार इस साइड मेरे को मिल जाएगा मेरा. ओ भाई इसका कलर कितना अच्छा ना, लेवल क्या इसका भाई, 8 लेवल है यार, बट यार इतना भी अच्छा नहीं है ना, बाद में देख लेंगे यार इसको, ठीक है. अभी अपने जो काम के लिए आए हैं वो करते हैं, अपने फियोमिया ढूंढते हैं. एंड इस माउंटेन के पास मेरे को मिल जाएगा आई थिंक फियोमिया, यहीं पे होता है ज़्यादातर. ओके, मेरे को यहाँ पे एक्सप्लोरर नोट भी मिला था एक आधा, और तब मैंने देखा था यहाँ पे एक फियोमिया, ठीक है. और हाँ गाइज, मैंने यार जो पैरासोल टीम किया था दोनों के दोनों, एंड उनके लिए यार नाम जरूर सोगेस्ट कर लेना, ठीक है, करना. तो उनको नामकरण भी करेंगे. और ये जो गाइज आपने देखा होगा, ये जो डायनासोर मेरे पास में था उसका नाम है डिप्लोडॉक्स, ठीक है. तो उसको भी अटेम करेंगे, काफ़ी सही डायनासोर है वो भी. ओके, कोई सामने की साइड मेरे को फियोमिया दिख चुका है गाइस फियोमिया. और वेट यार एक सेकेंड, हाँ बोला रखते हैं हाथ में और इसको बोला मारते हैं, जल्दी से जल्दी इसको नॉकआउट करते हैं, ठीक है. तो पास ही में रैप्टर भी दिखा भाई मेरे को अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है. और उससे भी बचना है, वेट हो जाएगा भाई. 3-4 भाई, सब भाई 4-5 एरो लगे यार इसको नॉकआउट करने में, ठीक है. भाई सब थोड़ा सा पीछे, सामने की साइड रैप्टर है भाई. भाई लैग क्यों हो रहा है भाई, वो उधर ही रैप्टर है भाई, इधर क्यों जा रहा हूँ मैं, उस साइड भी रैप्टर है क्या पता नहीं, वो देखो यार उस साइड है. और थैरी डायनासोरस भी है भाई, सब जल्दी से इसको टेम करो यार, इधर उधर देख के अगर कोई आया भाई मैं इसको छोड़ के भाग जाऊँगा यार मैं इसको छोड़ के, बाद में करते रहेंगे अपने इसको टेम. बट ना ही आए तो ठीक है यार, इसको टेम कर लेंगे अपने इस एपिसोड में. कुछ इसको देते हैं थोड़ा सा बायोटॉक्सिक और इसको कराते हैं थोड़ा सा फीड. तो यार फूड लेवल काफ़ी कम है ना, तो इसको यार दे देते हैं ना मेजोपेरिस, दे देते हैं.
देखिए कितना हुआ भाई, सब 7% हुआ अभी तो, सही हो रहा है यार। वेट, ये मक्खियाँ आ रही हैं भाई भाई साहब, ये अलग ही सीन है यार इनका भी। भाई साहब अब आ रही हैं। एक और आ रही है ना, तो इनको भी यार किल करके इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इनसे चिटी मिलेगा तो यार मेरे को पेट्राडोन का सैडल बनाने में काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो अभी से यार प्रिपरेशन चालू उसका सैडल बनाने के लिए। ये ना इसको हार्वेस्ट, भाई एक और आ गई, ये भी गई गई इसको। वेट, किधर जा रही है, रुक जा भाई रुक जा, हेलो। इसको भी हार्वेस्ट कर लिया उन्होंने। एंड भाई फ्योमिया का क्या हाल है, देखते हैं गाइस इसका क्या हाल है। ओ भाई साहब काफ़ी जल्दी टेम हो रहा है यार ये तो, देखो यार हो गया भाई ये तो बस। हाँ हो गया गाइस, इजीली हो गया यार ये तो सही में यार। ओके गाइस इसको यार सैडल लेते हैं, इसका बायोटॉक्सिक लेते हैं ठीक है, और मेजोबेरीज भी ले लेते हैं, ये डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि यार मेजोबेरीज यार काम की बेरीज है ठीक है, वो इजीली ऐसे नहीं खिलाएंगे यार अपने ठीक है। क्योंकि गाइस वेट, इसकी स्पीड थोड़ी कम है, वेट सामने थेरिजिनोसॉरस है ना, इसको यहाँ से लेके चलते हैं अपने, वैसे अंधेरा भी होने वाला है तो यार जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं यार। ये एरिया मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि यार भाई अजीब सा लग रहा है, काफ़ी डर लग रहा है मेरे को यहाँ पे ठीक है, कि यार स्टैमिना काफ़ी कम हो रहा है इसका। तो यार इसके जो भी लेवल आएंगे तो यार वो अपने स्टैमिना के अंदर ही डालेंगे ठीक है, मतलब स्टैमिना के अंदर ही डालेंगे, पर पानी के अंदर से नहीं लेके जाऊंगा यार, मैगलाडोन मार देगी इसको, तो मैं ऊपर से ही लेके जाऊंगा इसको इजीली यार, चला जाएगा ये। मैं थोड़ा सा दिक्कत देगा जैसा कि देख रहे हो आप, वहाँ से यहीं तक आया है सिर्फ। ओके सो गाइस वेट, यहाँ पे पैची है ना, इसको किल करते हैं यार। वेट, इसका भी परशूट आया हुआ है ना मेरे पास, पैची को टिम कर सकते हैं अपने, काफ़ी सही डायनास हो रही है अभी। पर इसको क्या हो रहा है, तू बैठ जा भाई यहाँ पे। वेट यार चलते हैं यार, इसको लेके चलते हैं, उसको नहीं चिड़ना उन्होंने ठीक है, उसको टिम कर लेंगे अपने, उसको किल नहीं करेंगे अपने पैची को ठीक है। तो उसका भी यार पैराशूट आया होगा आई थिंक, यार स्टैमिना लो हो रहा है ना। सर यार एक काम करते हैं यार, अपने यार अंधेरा भी हो रहा है तो यार आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सर अपने चलते हैं सीधा डायरेक्ट बेस पे, एंड बेस पे चल के आपको दिखाते हैं ठीक है इसको। गुड मॉर्निंग गाइस, तो देख सकते हो यार सुबह हो चुकी है, एंड रात को यार मैं इसको घर पे ले आया था, एंड यार तब यार ये दिखाने लायक थी था नहीं, मतलब यार अंधेरा बहुत था, तो यार सुबह हो चुकी है और यार देख सकते हो काफ़ी अजीब सा क्रीचर है गाइस ये। एंड गाइस ये काम यार इसीलिए आता है, ये पास में देख रहे हो यार, इसने मतलब हक दिया है यहाँ पर ठीक है। एंड गाइस ये इसी काम आता है ठीक है, ये हकता बहुत है और उससे मतलब फर्टिलाइज़र बनता है, और फर्टिलाइज़र बनाने के बाद अपने यार फार्मिंग ईजिली कर सकते हैं ठीक है। यार वो काफ़ी दिक्कत देता है फर्टिलाइज़र बनाना करना, तो यार जब ये हो तो यार काफ़ी आसान हो जाता है, तो इसलिए अपने इसको टेम किया है। एंड आई थिंक आपको कल के एपिसोड में मिल जाएगा, अपना फार्म छोटा सा बनाएंगे, एंड ज़्यादा कुछ नहीं होगा बस, हाँ प्यारा सा एक फार्म होगा। सो यार आई होप यार आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना, और पास ही में बेल आइकन होता है उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ठीक है। तो यार इस फ्योमिया का नाम भी मेरे को सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। सो अब तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ यार थैंक यू वीडियो देखने के लिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।